आ जाओ ना। कितनी चिंता हो रही थी आप लोगों को? बहुत चिंता हो रही है, चिंता का जो सब सब पूरे परिवार की चिंता है, सबकी चिंता है। लेकिन काबुल में जिस तरीके से अटैक हुआ उसके बाद तो डर और बढ़िया होगा आप लोगों का। तो आज घर आ रहे हैं परिवार वाले, तो अच्छा लग रहा है? सरकार से हमदर्दी की शुक्रिया करते हैं, सरकार का बहुत धन्यवाद जो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। आपके परिवार के लोग हैं वो लोग? हमारे काबुल में 40 साल से आला दिन इंकलाब हीरो आज दिन तक पता नहीं कब खत्म होएगा, कभी 12-13 साल होएगा हमारे से। हमारा जुलाई जो था 13-14 महीने का होएगा कि गया था कारोबार पर, कभी 13-14 महीने में कुछ 18 जून को गुरुद्वारे जो हमला हुआ था उसमें एक चौकीदार मुसलमान भाई है और एक हमारा जुआई, दो बंदे शहीद हुए थे और 3 बंदे जख्मी थे। लेकिन सर जो हालात अभी बने हुए हैं, हालात अभी जो हालात है 18 जून से, तो सरकार का कम क्या कहेगा सरकार, और लोग तो पता नहीं कौन आएगा, कोई हमारा जो जवाई है उसकी जड़ वाली आते हैं ना, हम उसकी सुधार कर रहे हैं। देखो क्या पते कांटे आ जाओ ना। कितनी चिंता हो रही थी आप लोगों को? बहुत चिंता हो रही है, चिंता का जो सब सब पूरे परिवार की चिंता है, सबकी चिंता है। लेकिन काबुल में जिस तरीके से अटैक हुआ उसके बाद तो डर और बढ़िया होगा आप लोगों का? तो आज घर आ रहे हैं परिवार वाले, तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमदर्दी की शुक्रिया करते हैं, सरकार का बहुत धन्यवाद हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। आपके परिवार के लोग हैं वो लोग? हमारे तकरीबन काबुल में 40 साल से आला दिन इंकलाब हीरो आज दिन तक पता नहीं कब खत्म होएगा, कभी 12-13 साल होएगा हमारे से। हमारा जुलाई जो था 13-14 महीने का होएगा कि गया था कारोबार पर, कभी 13-14 महीने में कुछ 18 जून को गुरुद्वारे जो हमला हुआ था उसमें एक चौकीदार मुसलमान भाई है और एक हमारा जुआई, दो बंदे शहीद हुए थे और 3 बंदे जख्मी थे। लेकिन सर जो हालात अभी बने हुए हैं, हालात अभी जो हालात है 18 जून से, तो सरकार का कम क्या कहेगा सरकार, और लोग तो पता नहीं कौन आएगा, कोई हमारा जो जवाई है उसकी जड़ वाली आते हैं ना, हम उसकी आएगा।